एफ ऑफ टू इज इक्वल टू सिक्स न्यूटन एंड एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एट न्यूटन ये हमारे पास गिवन डाटा है फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स फाइंड ए रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू एफ और सेकेंडली हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो है प्लेन ऑफ दैट फोर्स प्लेन ऑफ फोर्स अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं सबसे पहले सोलूशन में ए पार्ट को देखेंगे जिसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बाद रिजल्टेंट फाइंड करना है सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ विच इज इक्वल टू square रूट ऑफ एफ आई स्क्वेयर प्लस एफ जे स्क्वेयर प्लस एफ के का स्क्वेयर पुटिंग वैल्यूज जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड कुछ यू लिखा जाएगा एफ इज इक्वल टू फाइव न्यूटन square प्लस सिक्स न्यूटन स्क्वायर प्लस एट न्यूटन स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव न्यूटन स्क्वेयर प्लस थर्टी सिक्स न्यूटन स्क्वेयर प्लस सिक्सटी फोर न्यूटन स्क्वेयर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो है वन ट्वेंटी फाइव न्यूटन स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स वो होगी इलेवन पॉइंट टू न्यूटन ये है हमारे पास फोर्स की वैल्यू यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड अब बात करते हैं पार्ट बी की एफ लाइज इन स्पेस बिकॉज इट हैज ऑल ऑफ इट्स थ्री कॉम्पोनेंट एक्स एंड जी हमें बताना था कि ये कौन से प्लेन में लाया कर रहा है और चूंकि इसमें तीनों एक्सिस हैं एक्स और जी। इस वजह से यह हमारे पास क्या है स्पेस कंपोनेंट है जहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं थैंक यू